ये नथ टाइप है, ठीक है। चूहे मोटे, चूहे देखो क्या हालत कर गए बच्चा, पागल है तू यार। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। हाजिर हैं आज हम एक नए व्लॉग के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल जो मेरे चूज इंजर्ड हुए थे, जख्मी हुए, जिनके अटैक हुआ था, अभी तक मैंने उनको खोल के नहीं देखा। अभी सबसे पहले उन चूज़ों की तरफ जाते हैं। मुझे अभी टेंशन है कि अल्लाह खैर करा चूहों ने कहीं अटैक ना कर दिया, तो इसीलिए सबसे पहले चूज़ों को देखते हैं कि अल्लाह करे सब खैरियत हो। तो आए चले फिर उन चूज़ों की तरफ जाते हैं, उनको देखते हैं, अल्लाह करे सब खैरियत हो। और उन चीज़ों को मेडिसिन भी देनी है, मेडिसिन लगानी भी है, पिलानी भी है। तो अभी फिर देखते हैं यार। चूज़े खोलने से पहले ना मेरी दिल की धड़कनें स्टार्ट हो गई। जो मैं यहाँ पर बोतल लगा के गया था, यहाँ से चूहे आते थे, जो यहाँ से मैं बोतल लगा के गया था, मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं जाएंगे, ये देखा इसको पा लिया मैंने बोतल। अब अल्लाह खैर करे, मुझे अभी से डर लग रहा है यार। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो चलो आओ यार, मैं अभी चूज़ों की तरफ आ गया हूँ। यहाँ से तो ठीक लग रहे हैं, इनको मैं बाहर निकालता हूँ, इनको मैं लास्ट में खूँगा। वैसे आता हूँ, इनको मैं खोलूँ, इनको मैं लास्ट में खोलूँगा। पहले मैं ये उठा लेता हूँ अंडा, ठीक है। इनको मैं इसी रूम में छोड़ूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ। माशाल्लाह से अब बेहतर है चूज़ा, लेकिन अब माशाल्लाह से पहले से बेहतर है। कल यार मुझे इनकी बहुत टेंशन हो रही थी, आज माशाल्लाह से बेहतर, मुझे बहुत खुशी हुई यार। आज मुझे रैली पर जाना है और चूहे बहुत खतरनाक है यहाँ। ये घरों वाले नहीं है, ये बाड़े वाले, बाड़े वाले इतने हट्टे कट्टे होते, दो दो पाँच पाँच किलो का एक चूहा होता है, वो काफ़ी ताकतवर होता है वजन। तो मुझे यार इनको सिक्योर करना पड़ेगा, मेरे सारे बर्ड्स को खतरा है इस तरह, तो मैं और लोगों को उनको भी खतरा है। तो यार मुझे कुछ उनके लिए अब क्या करूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इनको मेडिसिन कर लूँ, पानी चेंज कर लूँ, इनको मैं मल्टी टर्मेंस वाला पानी दूँ, ताकि जो इनका ब्लड आए तो वो रिकवर कर सके आसानी। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे इनको मेडिसिन देने के बाद। यार मैं आपको बोतल दिखा दूँ जो मैंने रात में बंद की थी, ये देखो। इसके साथ चूहे देखो क्या हालत कर गए, ये बोतल ये देखो। इसके साथ चूहे देखो क्या हालत कर, कितनी मजबूत है बोतल यार, बहुत खतरनाक है। चूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी हमें, ये दहशत गर्द है यहाँ के, यहाँ ये दहशत गर्द है यार। मैंने उनको मेडिसिन दे दी, मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि मैं जो अंडा देती है ना, जिसका मुझे पता नहीं चल रहा, वो शायद मेरी डक है। क्योंकि अगर मुर्गी अंडा दे तो एक जगह पर, और अगर डक देती तो इधर उधर देती है। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो डक है ये अंडा देती है। अब मुझे ये पूछना कि डक कुड़क होती है, अगर कुड़क होती है तो उसके नीचे अंडे रख दूँगा, अगर नहीं होती तो फिर अंडे में सिक्योर करके रखूँगा, किसी जो मुर्गी कुड़क होगी उसके नीचे रख दूँगा। लेकिन अब यह है कि पता कैसे चलेगा। माशाल्लाह से आज मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए। ये रही हमारी न्यू मुर्गी, ये हमारी न्यू मुर्गी, ये मैं कल लाया था, लेकिन यार मैं दिखा नहीं पाया, कल बैड न्यूज़ इतनी बड़ी थी कि गुड न्यूज़ उसमें छुप गई। तो कल हम ये लाए थे, अभी मुर्गा ले आएंगे, अभी हमें मुर्गे की शदीद किल्लत है। तो अभी हमारे जो पहले मुर्गे बच्चे थे माशाल्लाह से, वो भी बड़े हो गए, अभी ये भी अंडों पर तैयार है। मुश्किल सी यार, इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे मुर्गी। तो अभी ये भी इंशाल्लाह तैयार है, ये भी कुछ दिनों में अंडे देना स्टार्ट कर देगी, उसके भी अंडे रखेंगे, सभी बच्चे निकलवाएंगे, है ना माजिद भाई। हाँ ये भाई वाड़े का सेठ है, सेठ माजिद अली टावर नहीं सेठार। तो बात ये है कि ना, अभी एक अच्छी नस्ल एक मुर्गा भी पकड़ेंगे, अच्छी नस्ल ऐसे लूसी लूसी नहीं पकड़ेंगे, अच्छी नस्ल आप पकड़ेंगे, फिर इनको उसके साथ छोड़ेंगे, वो जो दूसरी मुर्गी उनके साथ भी छोड़ेंगे। यार ये चूहे होते देखो कितना हट्टा घट्टा है, ये चेक करो चेक करो, कितने चूहे मोटे हैं। रात में ना कमरों में जाते, क्योंकि रात में कोई भी नहीं होता, दिन में ये नहीं आते, अब इनको पता है दिन में कोई ना कोई आ जाएगा, तो इस वजह से रात में अटैक करते हैं। उनका अटैक बड़ा खतरनाक है यार, देख लिया यार ये गाय खुली हुई है, ये देखो ये नथ टाइप है, ठीक है। अंग्रेजी नथ इसे कहते हैं, वो देसी नथ होती है, रसा डाल दी ना वो नथ बना दी, ये बनी बनाई नथ होती है। लेकिन ये कि ये खुली हुई है अभी, ये कि चलो मैं उनको बताता हूँ, वो बांध देंगे खुद ही। तो जानी लोगों अभी निकाले थे मैं भैंसें, ऑलमोस्ट निकाल दी, बस यही रह गई हैं दो चार। ओ तुम कहाँ छुपी हुई हो, एक बड़ी उस्ताद छुपी हुई थी मुझसे। हाँ तुम इधर ही रुको, तुम्हारा काम नहीं है इधर, चलो 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 चलो। तो माशाल्लाह से हमारी ये रही न्यू मुर्गी, ये हमारी न्यू मुर्गी माशाल्लाह से छोटे कद में बड़ी प्यारी मुर्गी है यार, छोटे से कद में ये प्यारी मुर्गी है यार। ये रही काली मुश्की, इसका कलर बड़ा प्यारा, और ये गोल्डन मिश्री, जैसे अंडों के लिए रखी है, अदरवाइज तो ये किसी काम की है नहीं। चेक करो यार ये जो आप ऊपर से देख रहे हो निशान, ये वाला, ये इनके साथ कल लड़ी थी, लड़ लड़के इस वजह से गंजी हो गई। तो ये अभी
जो चूहे जख्मी थे मैंने इनको इधर अंदर बंद कर दिया ताकि ये इनको बड़ी मुर्गियाँ मारे ना, तो ये सुकून से अपना बैठे रहें आराम करें और ये मुर्गियाँ भी अपनी फीड करें। अंडा वंडा जिसने देना होगा दे देगी। तो अभी ये मुर्गा पकड़ना पड़ेगा, मुर्गा पकड़ना इतना लाजिम हो चुका है हमारे लिए। तो करते हैं कोई ना कोई बंदोबस्त मुर्गे का। अब अच्छी आवाज़ है दिन में आदमी को फीड डालना भूल जाए, अभी ठीक है मैं भी फीड डाल दूँ। तो अभी मिलते हैं फिर शाम में या रात में, आज मुझे जाना है रैली में, अगर शाम में आ सका तो ठीक, वरना रात में आएँगे इनको दाना पानी दे के चले जाएँगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यार अभी हम इस टाइम आ चुके हैं, अभी मैं गया था रैली पर, अभी मैं जैसे ही घर आया मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने बोला मेरे मुर्गे बाहर हैं, ये जो चोर घूम रहे हैं इन पे कोई भरोसा नहीं है, कब कार्रवाई कर दे। तो मैं अभी जैसे चाबी पकड़ी मैं इनके पास आया हूँ तो लाइट अभी गई है, पहले भी गई थी लेकिन फिर से अभी दोबारा चली गई क्योंकि पीछे से लाइट खराब। अभी मैं इनसे पूछता हूँ मेरी बतखें कहाँ हैं भाई, और मुझे यहाँ की भी कार्रवाई करनी है अभी। तो अभी मैं इनके अंदर जाता हूँ, इनकी मैं पोजीशन लूँ जरा, ये कैसे हैं, ठीक तो हैं सब? हाँ भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है मुर्गियाँ ठीक है, माशाल्लाह से सब साथ में बैठी हैं यार, माशाल्लाह से। ये मुर्गी देखो, ओए यार व्हाट द लव, ये क्या होगा, ये कौन सी नई मुसीबत आप, चलो फिर इसको कल बनाऊंगा। ये देखो ये मुर्गी बैठी हुई है, ठीक है। अब बारी है डक्स की, मैं डक्स को लेकर आऊँ और ये वाला भी बंद करूँ, और ये पानी मेडिसिन वाला था ये ख़राब हो गया था, अब मैं इसको भी चेंज कर दूँ। तो यार मैं अभी पत्थर लाया हूँ, ये मैं चीज़ बंद करूँगा, यहाँ से बंद करने की कोशिश करता हूँ, अगर होते हैं तो देखते हैं कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। यार आज इसकी मुर्गी बच्चे दे रही थी, तो चलो इस मुर्गी ने ये देखो चार बच्चे निकाले, तो बाकी सुबह तक ये कुछ ना कुछ निकालेगा। एक ये खराब अंडा था, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं, बंद करो। अभी मैंने इसको बोला कि जो टूटे हुए अंडे वो बाहर निकालो, लेकिन पहली मरतबा शौकीन है तो इसने बोला पड़े रहने, तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी मैंने ये अंडा जानबूझ के उठाया इसकी तसल्ली के लिए, इसको दिखाने के लिए, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है ये देखो, वो जो दूसरे अंडे ना जो टूटे हुए ना वो भी निकाल दो, मेरी बात मानो तो, ठीक है बिल्कुल, ए, कुछ बिल्कुल, है बिल्कुल। तो वो जो अंडे जो टूटे हुए ना उनको ही बाहर निकाल के तोड़ दो अगर मेरी बात मानो तो। नहीं यार डक्स को अंदर से यार पकड़ा हुआ है, देख तू पकड़ना, यहां से पकड़ना उसको, यार ये पकड़ ली, बस नीचे नीचे नीचे, अब ये कि थोड़ा इसका जुगाड़ करके फिर मैं घर चला जाऊंगा सुकून से, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह आऊंगा इनकी शक्लें देखनी पड़ेंगी। तो भाई अभी तीन बुलाए ना फिर, जी जी इनको इधर रखो, ये एक भाई, ये एक, दो दो दो, ठीक एक है, एक ही एक ही, एक ये दो, ठीक है दो, दो ये अंडा सही है, ये अंडा सही है, ये टूटा हुआ नहीं है, अभी देखना ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये देखो ये जो सही अंडा था, सर्दी है भाई सही, अभी बच्चा एक अंडा बच्चा, पागल है तू यार, ये देख खराब है, अभी संडे में बच्चा बनता वो टूटा हुआ था, उसकी वजह से नहीं बना। भाई मैं एक बात बताऊं, जो दूसरे अंडे ना वो भी हैं खराब, ठीक है, लेकिन ये कि चलो रात तक पड़े रहे, क्या पता कोई मौजा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आसरा नहीं करना। अब मैं इस व्लॉग को इधर ही करता हूँ एंड, अगले व्लॉग में आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।